प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के विज्ञान व तकनीक मंत्रालय के तत्वाधान में बुधवार को डोडा जिले के बतरवा में दो दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिलों में पर्पल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बतरवा में इस फेस्टिवल को शुरू करने की घोषणा की थी। ये महोत्सव अरोमा मिशन चला रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ओर से बतरवा के हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आयोजित किया गया है। महोत्सव के दौरान लेवेंडर के फूलों से तेल निकालने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये तेल इत्र बनाने में काम आता है। दो दिवसीय महोत्सव के दौरान बतरवा के स्थानीय कलाकार रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे। इसी दौरान इत्र उद्योग से जुड़े व्यवसायों व लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिलेगा। दोनों को एक दूसरे की जरूरतों के बारे में पता चलेगा। महोत्सव में हिस्सा लेने वाले लोगों को लेवेंडर फूल के खेतों में ले जाया जाएगा और उन्हें ये फूल उगाने वाले किसानों के अनुभवों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। वीरवार को समापन समारोह में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि होंगे और पर्पल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बैंगनी रंग के गुब्बारे छोड़ेंगे। इस दौरान अरोमा मिशन के तहत सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी होंगे। कार्यक्रम के दौरान लेवेंडर की खेती से भविष्य को बेहतर बनाने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। महोत्सव संपन्न होने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह लेवेंडर नर्सरी के साथ फूलों से तेल निकालने की यूनिट में भी जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरोमा मिशन को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल को बड़ी पहल करार देते हुए कहा है कि इससे लेवेंडर की खेती करने वालों की कामयाबी के किस्से उजागर होंगे जो पर्पल क्रांति का हिस्सा बनकर लोगों को रोजगार दे रही है। We'll be right back.